मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब जनपद अमरोहा की। जनपद अमरोहा के गांव पपसरा में पूर्व कैबिनेट मंत्री किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर याद किया गया। लोगों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर कहा कि चौधरी साहब द्वारा किसानों और क्षेत्र के लोगों के लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी निष्ठा समाज के प्रति हमेशा रही, वे अपने कार्यों के लिए सदैव याद किए जाएंगे। श्रद्धांजलि सभा में समाज के जिम्मेदार लोगों ने स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सिविल जज वरिष्ठ सपा नेता चौधरी सरजीत सिंह ने कहा कि चौधरी साहब की प्रेरणा से ही मैं उनके बताए मार्ग पर चल रहा हूं। सपा नेता चौधरी सरजीत सिंह ने कहा कि मेरी कोशिश रही है कि मैं चौधरी साहब की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करूं, लेकिन बिना आप लोगों के समर्थन के कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि राजनीति में जितना समाज के लिए चौधरी साहब कर गए, अगर मौका मिला तो उससे कहीं ज्यादा कार्य करने का प्रयास मैं करूंगा। अमरोहा से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। आप सबके बहुत नजदीकी, और मैं तो ये कहूंगा कि मैं पुत्र जरूर हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा नजदीक के लोग उनके यहां बैठे हैं, जो मुझसे भी ज्यादा उनको जानते थे, ऐसे लोग यहां बैठे हैं। जहां तक परिस्थितियों का सवाल है, ये किन परिस्थितियों में आज हमें ये छोटा सा श्रद्धांजलि का आयोजन कर रहे हैं, वो आप जानते हो कि माता जी की तबीयत खराब है 5-6 दिन से, और यही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाए। तो इसलिए जो हम टूर्नामेंट करते थे हर साल, उसको भी स्थगित करना पड़ा। और आज सुबह ही जब माता जी की हालत देखी कि कुछ बेहतर है, तब मैंने कुछ लोगों से कहा कि भाई ऐसा कर लो। तो बहुत ही संक्षिप्त सूचना पर आप सब आए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद और आभार करूंगा, और आपसे एक दो बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं, चारों तरफ लोग हैं, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का मिलने वाला है, लेकिन जहां तक सवाल सिद्धांतों का है, सिद्धांतों की राजनीति आज के समय में बहुत ही कठिन और मुश्किल है। लेकिन आज जो समाज की स्थिति है, लौटकर हमें उन सिद्धांतों की तरफ जाना पड़ेगा जो सिद्धांत जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद रखते थे। आज स्थिति क्या है कि पार्टियों ने टिकट दे दिए और चुनाव जीत के चले गए। आप तो जानते नहीं, पहचानते नहीं, समस्या से कोई रास्ता नहीं। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, और प्रयास भी आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये मत सोचो अगर जो आज संस्कृति है उस संस्कृति में आपका भी कोई स्थान नहीं है। अगर मेरा भी स्थान नहीं है तो आपका भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे लोगों को वोट करते हो, ऐसे ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बनाते हो जो केवल 5 साल बाद आपको दिखाई देते हैं। तो मेरा ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। आज क्या स्थितियां हैं, देश की क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है, पैसा, लालच और तमाम तरह के प्रलोभन जो है, वो सारे प्रजातंत्र का रूप कितना विकसित कर दिया है, कितना खराब कर दिया है, वो आपके सामने है। लेकिन जहां तक सवाल है कार्यकर्ताओं का, जनता का, अगर उन्हें सम्मान चाहिए तो मैं एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अगर किसी को कुछ दोगे तो वापस मिलेगा, और देने का होता है
आपको मतदाता बनाया है। मतदाता का मतलब होता है भगवान देने वाला। अगर आप महीना दो महीना किसी के लिए आवाज निकालोगे, किसी की मदद करोगे, तो निश्चित रूप से 5 साल तक जिसकी आप मदद करोगे वो आपकी भरपूर मदद करने का प्रयास करेगा। ये मैं अपने निजी लिए नहीं कह रहा, जिसकी भी करो, जिसकी भी करो, ये उदासीनता तोड़ो, जिसकी भी मदद करो, जो भी अच्छा लगता हो उसकी मदद करोगे तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र में आपकी भी कोई आवाज होगी, आपकी भी कोई भागीदारी होगी। और अगर बूंदों की तरह, बहरों की तरह केवल वोट डालने का काम है हमारा, वोट डालने का काम करते रहे, तो आने वाला समय आप देख रहे हो किस तरह की सरकारें आ रही हैं। ये सरकारें हो सकता है कि आपका वोट का अधिकार भी छीन ले। किस तरह की तानाशाही है आप देख रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है। सारा सिस्टम, सारे सिस्टम पर एक विचारधारा का जबरदस्त प्रभाव। उसमें ना तो किसान कहीं ठहरता है, ना मजदूर कहीं है, ना व्यापारी कहीं है, केवल देश को बांटने की नीति आप ने देख लिया, देख रहे हो। इस वक्त कोई राजनीतिक भाषण देने का विषय नहीं है, लेकिन मजबूती से मेरा साथ दो। इतना जरूर यकीन दिलाता हूं कि जैसे पिताजी को आज याद कर रहे हो, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश ही नहीं करूंगा, आपसे वादा कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि मैं उनसे भी बड़ी एक लाइन खींचने का काम करूंगा जो कि आपका सम्मान बढ़ाएगी, आपके क्षेत्र का सम्मान बढ़ाएगी और आपका निश्चित रूप से एक परिवर्तन जो आप देखोगे राजनीति में यहां, वो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा महसूस होगा। और जो वर्तमान राजनीति की स्थिति है कि बस जो बन गया वो पैसा कमाने की मशीन है, इसे तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप और हम मिलकर एक हिस्सेदारी, एक भागीदारी लोकतंत्र में नहीं करोगे और अपना प्रभाव नहीं बनाओगे, तब तक ये संस्कृति टूटने वाली नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, देख रहे हो आप यहां की स्थिति, संस्थाओं पर कब्जे, पदों पर कब्जे और फिर लूट करने, समाज की लूट करना, घमंड, अहंकार। तो ये सब चीजें अगर तोड़नी है तो आपको, चौधरी साहब को अगर विश्वास करते हो आप, तो मेरे ऊपर भी विश्वास करो। मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी आपके मान में, सम्मान में, आपकी इज्जत में, आपके काम में जो मेरी सक्षमता होगी, जो मेरी योग्यता होगी, कभी भी कमी नहीं होने दूंगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसा इस बार हम लोग परेशानी में रहे, परिस्थितियों वश नहीं कर पाए हो आयोजन, तो ऐसा एक अवसर आए, आप और हम मिलकर एक ऐसा अवसर पैदा करो कि अगली बार जो आयोजन हो चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर, वो जिला नहीं, पूरा मंडल नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश में एक संदेश जाए कि चौधरी साहब जैसे व्यक्तित्व के लोग भी इस देश में राजनीति करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ, आप सब लोग आए, मेरे सभी बुजुर्गों, सभी मेरे लिए सम्मानित हो, बहुत लंबी बात कहने का मौका भी नहीं है, बस इतना ही कहूंगा कि देखिए, विश्वास करोगे तो विश्वास मिलेगा, और आपसी विश्वास के बगैर कोई परिवार, कोई समाज, कोई तबका तरक्की नहीं कर सकता। अपनी अपनी धुन में रहोगे तो इस प्रजातंत्र में आपका कोई महत्व नहीं होगा। महत्व उसका ही होता है जो कि संगठित होता है और अपनी आवाज बुलंद करने की क्षमता रखता। आपने सब दौर देख लिए, ऐसे दौर भी देखे जब आप आसमान पर थे, आपने ऐसे दौर भी देखे जब आप, आज आपको और हमें कोई पूछ भी नहीं रहा। तो अगर अपना सम्मान चाहते हो और इस बदलाव चाहते हो, तो आप और हम मिलकर एक नई परंपरा शुरू करें,
क्योंकि राजनीति कोई समाज से अलग नहीं है, जैसा समाज चाहेगा राजनीति भी वैसी होती है। लेकिन एक कमी हो गई कि हम कहना बंद कर दिया, सही को सही गलत को गलत। हमें ये आदत पैदा करनी पड़ेगी। पहले सही को सही कहते थे आदमी बैठ के, गलत को गलत कहते थे। अब हम सुनते हैं कोई कुछ कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। हमें इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा, तभी ये बदलाव संभव होगा। और चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जो सिद्धांत थे, जो वो चाहते थे कि भाई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता और जनता के बीच सामंजस्य होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, आपस में एक दूसरे की मदद करने का सरोकार होना चाहिए, तभी हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि हम मिलकर और आपस में विश्वास करके चलेंगे आगे, तो निश्चित रूप से देखिए सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। एक आदमी अगर सच बोलता है और 100 झूठ बोलते हैं तो सच्चा आदमी ही बाद में रह जाता और 100 झूठे नंगे हो जाते हैं। आज इस सरकार की यही स्थिति है, बड़े टॉप पर बैठे हुए लोग क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, आपको सब पता। तो अगर हकीकत पर जाओगे तो आपको अपनी समस्याओं की तरफ लौटकर राजनीति को लेकर जाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप पर हम मिलकर ये जो वर्तमान व्यवस्था है जो कि समाज को देश को घुन की तरह खा रही है, इसको बदलने का काम करें और अपने समाज के लिए उन्नति का और विकास का रास्ता प्रशस्त करें। यही चौधरी साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।